मंत्री कमलनाथ की लगातार बयानबाजी पर मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार कर उनसे सबूत मांगे। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ ब्लैक मेलिंग की राजनीति करते हैं, उनके पास किसी प्रकार के तथ्य नहीं है और वे बिना तथ्य के राजनीति कर रहे हैं। चाहे पेन ड्राइव वाला मामला हो या फिर मौत के आंकड़ों वाला मामला, दोनों ही मामलों में अगर कमलनाथ के पास कोई सबूत हो तो वे सामने लाएं। ये पीड़ादायी प्रसंग है, मैं दो तीन दिन से रोज कमलनाथ जी से प्रार्थना कर रहा हूं। एक आध क्लिपिंग ऐसी तो जारी करो जिसमें सेवा करते दिखो आप, आग लगाते दिख रहे हो जहां भी दिख रहे हो। हालांकि ये सच है कि आपकी उत्पत्ति आग से ही हुई है, इमरजेंसी की आग आपने देखी, आपके गुरु संजय गांधी आपको लेके आए, फिर 84 के दंगों में सिखों के घर जलाते हुए भी जो प्रकरण आपका सुप्रीम कोर्ट में आज भी लंबित है, देश ने उनको भी घर जलते हुए देखे। अब आप मध्य प्रदेश को जलाना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? लगातार बार बार रिपीट करना कि आग लगा दो, आग लगा दो, इस आपदा में, जिस आपदा में कमलनाथ जी आपको दीन दुखी के बीच में होना था, शोषित पीड़ित व्यक्ति के बीच में होना था, वहां आप लाशें गिर रहे, मुर्दों की बातचीत सुन रहे हो कब्रिस्तान में, क्या हो गया है आपको इस उम्र में? आप उम्र के चौथे पड़ाव पर यह उम्मीद नहीं थी आपसे, आप कैबिनेट मंत्री का दर्जा लिए हो, विधायक हो आप छिंदवाड़ा से, एक जनप्रतिनिधि को आग लगाने की बातें शोभा नहीं देती। आम जनता आपका वो चेहरा आज देख रही है कि आप किस तरह से प्रदेश को चलाने की कोशिश, पद और गोपनीयता की शपथ ली इनने मुख्यमंत्री पद पर, और हनी ट्रैप की पेन ड्राइव रख ली अपने घर, क्यों रख ली? निश्चित रूप से उसमें कांग्रेसी होंगे, ये डर्टी पॉलिटिक्स कहलाती है, ये ब्लैकमेलिंग की राजनीति कहलाती है कमलनाथ जी। अगर आपके पास में कोई प्रमाण है और खासकर भाजपा वाले, तो मैं भाजपा की ओर से चुनौती दे रहा हूं, रखो सार्वजनिक करो, आप उस केस की पेन ड्राइव अपने पास रखे हो जिसकी हाईकोर्ट जांच कर रहा है, उसकी हाईकोर्ट ने SIT बनाई हुई है, क्यों छुपाया आपने इस पेन ड्राइव को, क्या था इसमें? और मान लीजिए आपके मुख्यमंत्री के कोई गंभीर विषय था तो हाईकोर्ट को क्यों नहीं दिया, SIT को क्यों नहीं दिया? मैं तो किससे मांग करूं, मैं ये मानता हूं कि इन्होंने कई सरकारी दस्तावेज, जब पेन ड्राइव इनके पास हो सकती है तो मुख्यमंत्री रहते इन्होंने कई सरकारी दस्तावेज भी गायब किए होंगे, और ये जांच का विषय हो सकता है, ये सोच का विषय तो है ही, शोध का विषय भी हो सकता है। लगातार कोरोना की स्थिति अब नियंत्रण में आती जा रही है प्रदेश के अंदर, अगर आज हम बात करें कि नए प्रकरण आने की, तो आज 4354 मामले प्रदेश के अंदर नए आए, जबकि इसके विपरीत अगर अपन जाएंगे कि ठीक हो गए घर कितने गए, तो 9405 लोग ठीक होकर के अपने अपने घर पर गए, दोनों की हम तुलना करेंगे तो लगभग आधे से अधिक लोग ठीक होकर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बेड, पर्याप्त मात्रा में ICU के बेड, पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध है, CCU के उपलब्ध है, अस्पतालों में पर्याप्त वैकेंसी है, आज हम ऑक्सीजन में एक्सेस हैं, आज हम रेमडेसिविर में एक्सेस हैं, सारी व्यवस्थाएं राज्य सरकार ने पूरी ताकत से पूरी क्षमता से की है। इंदौर में स्थिति नियंत्रण में आती जा रही है, भोपाल में आती जा रही है, हमारी पॉजिटिविटी की रेट अगर पूरे प्रदेश की देखें तो 5.8 आज पूरे प्रदेश की है, वहीं अगर हम ग्वालियर की दतिया की देखें तो 3.54 हमारे ग्वालियर की है, और दतिया की 3.44 हमारे दतिया की है, हल्की सी शुपरी की ज़्यादा है।